नमस्कार स्टूडेंट्स, देखिएगा कल अपने त्रिकोणमितीय सर्वसमिका जो कि आपकी एक्सरसाइज सातवीं है उसके 16 क्वेश्चन हो चुके थे और अपना 17वां क्वेश्चन ये है कि टेन थीटा बटे में 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटे में 1 माइनस टेन थीटा, ये आपको लेफ्ट हैंड साइड दी गई है और आपको राइट हैंड साइड दी गई है 1 प्लस टेन थीटा प्लस में कोट थीटा। आपका 17वां क्वेश्चन और 20वां क्वेश्चन एक जैसा है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड दोनों में एक है और राइट हैंड साइड अलग अलग है। इस एक क्वेश्चन से ही मैं साथ में दोनों क्वेश्चन करवाऊंगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आपका 17वां क्वेश्चन ये दिया गया है जहां ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपकी क्या है, राइट हैंड साइड है। अब आपको प्रूव करना है, सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया और लेफ्ट हैंड साइड आपका है टेन थीटा बटे में 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटे में 1 माइनस टेन थीटा। ये वाला क्वेश्चन टेन की फॉर्म में भी कर सकते हैं बट मैं प्रत्येक क्वेश्चन आपको साइन बटा कोस से ही करवाऊंगा, एक लय से करेंगे हम ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब देखिए बेटा, आपको ये लेफ्ट हैंड साइड दी गई है टेन थीटा बटे में 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटे में 1 माइनस टेन थीटा। अब यहां आप जानते हो कि टेन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा बटे में कोस थीटा के बराबर होता है। तो यहां मैंने टेन थीटा को चेंज किया साइन थीटा बटे में कोस थीटा। टेन थीटा को किसमें चेंज किया मैंने, साइन थीटा बटा कोस थीटा, और यहां बटे में 1 माइनस कोट थीटा आपका होता है कोस थीटा बटे में साइन थीटा। उसके बाद आप देखिएगा प्लस कोट थीटा की जगह मैंने रखा कोस थीटा बटे में साइन थीटा और 1 माइनस टेन थीटा को लिखा मैंने साइन थीटा बटे में कोस थीटा। यहां सिर्फ मैंने चेंज किया टेन थीटा को तो साइन थीटा बटे कोस थीटा में लिखा और कोट थीटा को कोस थीटा बटे साइन थीटा में लिखा। अब यहां इसको मैंने 1/1 लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, ऊपर वाला आपका सेम रहेगा साइन थीटा बटे में कोस थीटा और नीचे आपका एलसीएम कितना आ गया, नीचे वाले का एलसीएम साइन थीटा और इसको इससे भाग दिया साइन थीटा। साइन थीटा को 1 से गुणा किया क्या आ गया आपका साइन थीटा। साइन बीच में किसका है, माइनस का, साइन को साइन से भाग दिया 1, 1 को कोस थीटा से गुणा किया क्या आ गया कोस थीटा। साइन बेटा बीच में प्लस का है, ऊपर वाले को फिर मैंने सेम रखा। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है अभी एग्जाम की दृष्टि से, कोस थीटा बटे में साइन थीटा आपका एलसीएम आ गया कोस थीटा, आपका एलसीएम आ गया कितना भाई कोस थीटा। अब यहां 1 को कोस थीटा से भाग दिया आपका आता है कोस थीटा और यहां 1 से गुणा किया फिर क्या आ गया कोस थीटा। साइन बीच में है माइनस का, कोस को कोस से भाग दिया 1, 1 को साइन से मल्टीप्लाई किया आपका क्या आ गया साइन थीटा। सबसे पहले मैंने यहां टेन थीटा को साइन थीटा बटे कोस थीटा में चेंज किया और कोट थीटा को कोस थीटा बटे साइन थीटा में चेंज किया, उसके बाद नीचे वाले का एलसीएम लेके मैंने हल कर दिया जो कि आपके सामने है। अब बेटा आप बताइएगा कि ए बटे में बी और सी बटे में डी इक्वल किसके होता है, ए बटे बी इंटू में डी बटे में सी। अगर मैं भाग को गुणा में चेंज करूं तो नीचे वाले भिन्न का अंश और हर चेंज हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा। इसी प्रकार इसको मैंने ये ए बटा बी
c बटा d भाग को मैंने गुणा में चेंज किया तो ये ऊपर आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा नीचे, मतलब कि साइन थीटा बटे में कोस थीटा, गुणा में चेंज किया तो ये साइन क्या है अभी ऊपर चला जाएगा, साइन थीटा बटे में साइन थीटा माइनस कोस थीटा। यहां तक आई थिंक समझ में आ गया होगा। सिर्फ देखिएगा मैंने क्या किया, भाग को गुणा में चेंज किया, इसी प्रकार इसको भी चेंज कर दिया, बीच में साइन आपका प्लस है, कोस थीटा बटे में साइन थीटा इंटू ये ऊपर आ जाएगा भाई कोस थीटा बटे में कोस थीटा माइनस साइन थीटा। यहां मैंने भाग को किस में चेंज किया गुणा में, तो नीचे वाला ये देखिएगा साइन थीटा यहां नीचे है ऊपर आ जाएगा, तो देखिए साइन थीटा बटे कोस थीटा इंटू में साइन थीटा बटे में साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इसी प्रकार ये आ गया। अब आप देखिए बेटा साइन को साइन से मल्टीप्लाई किया आपका आ गया साइन स्केयर थीटा बटे में कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, बीच में साइन है प्लस का, कोस को कोस से गुणा किया क्या आ गया कोस स्केयर थीटा बटे में साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस साइन थीटा। मेरे ख्याल से यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। साइन को मैंने इससे गुणा कर दिया तो साइन स्केयर थीटा आ गया, इनको मैंने इनसे गुणा कर दिया तो आपका ये आ गया, इसी प्रकार कोस को कोस से गुणा कर दिया आपका कोस स्केयर थीटा आ गया, और इनको इनसे गुणा किया आपका ये आ गया। अब बेटा देखिएगा यहां मैं एलसीएम लेऊंगा तो कोस थीटा और साइन थीटा तो ठीक है, बट यहां साइन प्लस का और कोस किसका है माइनस का, कोस प्लस का और साइन किसका है माइनस का, मतलब इन दोनों में ये कॉमन तो नहीं है ना, दोनों अलग अलग है ना, प्लस माइनस का साइन अलग है, तो इनका एलसीएम लूंगा तो काफी बड़ा हो जाएगा, इसलिए ये वाला स्टेप आपको याद रखना है। इसको मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहां ये माइनस मैं बाहर ले आऊंगा, ध्यान से समझना, माइनस मैंने क्या ले लिया कॉमन ले लिया, तो यहां प्लस इंटू माइनस क्या हो गया माइनस, चाहे आप ऐसे याद रखना, चाहे आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर देना दूसरे को माइनस से, क्योंकि इन दोनों को सेम करना है, अगर यहां माइनस नहीं आएगा ना, क्योंकि माइनस यहां मैंने कॉमन लिया तो ये साइन किसका आ जाएगा प्लस का और ये किसका आ जाएगा माइनस का, इसलिए ये वाला स्टेप आप याद रखना थोड़ा, साइन स्केयर थीटा बटे में कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा माइनस, क्योंकि प्लस इंटू माइनस क्या होगा माइनस। बेटा ये याद रखना, अगर बच्चे से गलती होती है तो यही आके होगी, यहां मैंने माइनस कॉमन ले लिया और क्यों लिया इन दोनों को सेम करने के लिए, माइनस कोस स्केयर थीटा बटे में, अब ऐसे भी लिख सकते हो साइन थीटा इंटू में, ये माइनस वाला क्या हो गया प्लस और प्लस वाला क्या हो गया माइनस, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, बस आप यही स्टेप याद रखना, गलती होगी तो बच्चों से यही होती है, अगर ये वाला आ गया फिर बिल्कुल इजी बन गया। बस एक बार मैं फिर से बताता हूं, यहां मैंने माइनस क्या ले लिया कॉमन ले लिया और प्लस इंटू माइनस क्या होगा माइनस, तो आपका साइन तो हो जाएगा प्लस का और कोस किसका हो जाएगा माइनस का। अब इनका एलसीएम लेता हूं, अब देखिए एलसीएम क्या आ गया कोस थीटा इंटू साइन थीटा और यहां आ गया साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब बताइए सिर्फ यहां एलसीएम, क्योंकि ये दोनों सेम है तो आपका साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और इन दोनों को सेम करने के लिए मैंने माइनस कॉमन लिया, और अब यहां देखिए कोस थीटा है और यहां कितना है साइन थीटा। अब बेटा देखिए
इसको मैं इससे भाग दूंगा, कोस से कोस कैंसिल, साइन थीटा माइनस कोस थीटा से साइन थीटा माइनस कोस थीटा कैंसिल, तो यहां बचा क्या बेटा साइन, साइन को साइन स्क्वायर से गुणा किया, साइन की पावर 3 थीटा, और साइन बीच में किसका है माइनस का, साइन से साइन कैंसिल, इनसे ये कैंसिल, क्या बच गया कोस, और कोस को कोस स्क्वायर से किया, कितना आ गया कोस की पावर 3 थीटा। आई थिंक यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहां देखिए बेटा आपका फॉर्मूला है ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब जो कि किसके बराबर होता है जल्दी से बोलिएगा। और आपको मैंने फॉर्मूले अच्छे से करवाए हैं पिछली क्लास में, आप देख लीजिएगा। ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस में बी स्क्वायर। अब यहां ए आपका साइन थीटा है, तो यहां आ गया साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ए माइनस बी इंटू में ए की स्क्वायर का मतलब क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ए बी का मतलब साइन थीटा को मैंने मल्टीप्लाई किससे कर दिया कोस थीटा से, प्लस बी की स्क्वायर का मतलब क्या हो गया कोस स्क्वायर थीटा, और बटे में आपका है कोस थीटा इंटू में साइन थीटा, कोस थीटा इंटू में साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। यहां तक बेटा समझ में आ गया होगा। अब आप देखिए साइन थीटा माइनस कोस थीटा से साइन थीटा माइनस कोस थीटा क्या हो गया कैंसल, और यहां क्या बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू में कोस थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, बटे में आपका है कोस थीटा इंटू में साइन थीटा। यहां साइन थीटा माइनस कोस थीटा से साइन थीटा माइनस कोस थीटा क्या हो गया कैंसल हो गया, तो आपका ये बच गया। अब बेटा आप देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, बटे में आपका है कोस थीटा इंटू में साइन थीटा। अब आप बेटा बताइएगा यहां मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या साइन स्क्वायर थीटा बटे में कोस थीटा इंटू साइन थीटा, इन तीनों को मैंने अलग अलग कर लिया क्योंकि इसके भी बटा में इसके भी है और इसके भी है, साइन थीटा इंटू में कोस थीटा बटे में कोस थीटा इंटू में साइन थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बटे में कोस थीटा इंटू में साइन थीटा। मैंने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में कि इनको साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा है और बटे में आपका कोस थीटा इंटू साइन थीटा है, मतलब इन तीनों के बटा में मैंने इन तीनों को अलग अलग कर लिया। अगर हम एलसीएम लेके करेंगे तो ऊपर वाला आएगा कि नहीं। अब इसको मैंने इससे भाग दिया, स्क्वायर का मतलब दो बार है ना, तो क्या बच गया एक बार कट गया तो क्या बच गया साइन थीटा बटे कोस थीटा, ये आपस में कैंसिल ही हो गया, यहां कितना बच गया बेटा एक, और यहां कोस स्क्वायर से कोस कैंसिल हो गया क्या बच गया कोस थीटा बटे में साइन थीटा। अब मुझे बताएं साइन बटा कोस क्या होता है टेन थीटा, और कोस बटे साइन क्या होता है कोट थीटा, और लास्ट में कितना बच गया एक, और यही आपको क्या करना था प्रूफ, वो एक ही बात है एक प्लस कोट थीटा इंटू टेन थीटा या एक प्लस टेन थीटा इंटू कोट थीटा, और यही आपकी क्या है बेटा राइट हैंड साइड। कौन सी साइड है बेटा राइट हैंड साइड, मीन्स आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल है राइट हैंड साइड के।
लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। सबसे अच्छा क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का अभी तक का। आपको ये लेफ्ट हैंड साइड दिया गया है और इस राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। मैंने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिया, जहां टेन थीटा को तो साइन बटा कोस में चेंज किया और कोट थीटा को कोस बटा साइन में चेंज किया, तो ये आ गया आपका। फिर मैंने नीचे वाले का यहाँ एलसीएम लिया और एलसीएम को सोल्व करने के बाद बेटा आपका ये आया। उसके बाद मैंने इस भाग को किस में चेंज किया, गुणा में चेंज किया, तो ये साइन थीटा, देखो साइन थीटा बटे कोस थीटा तो सेम है, ये साइन थीटा क्या आ गया बेटा ऊपर आ गया, तो और ये क्या आ गया नीचे। इसी प्रकार कोस थीटा बटे साइन थीटा, ये तो ऊपर आ जाएगा कोस और ये क्या आ जाएगा नीचे, और ये क्या रहेगा सेम। अब यहाँ साइन को साइन से गुणा किया साइन स्क्वायर थीटा, कोस को कोस से गुणा किया कोस स्क्वायर थीटा। दिक्कत यहाँ आती है, अब यहाँ माइनस क्या लेना है, कॉमन लेना है, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि अब ये दोनों सेम हो जाएंगे, क्योंकि अब इनका एलसीएम आएगा तो क्या आएगा कोस थीटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। फिर बेटा देखो इसको मैंने इस टोटल से भाग दिया तो क्या बच गया साइन, और साइन को साइन स्क्वायर से गुणा किया क्या आ गया साइन की पावर तीन थीटा। उसके बाद देखिए इसी प्रकार यहाँ कोस की पावर कितनी है तीन थीटा। अब यहाँ फार्मूला कौन सा लग गया, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब सर्वसमिका क्या बोलती है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ ए आपका साइन थीटा है और बी आपका कितना है कोस थीटा, तो ये वाला मैंने फार्मूला लगाया। तो यहाँ देखिए बेटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा से साइन थीटा माइनस कोस थीटा क्या हो गया कैंसल, क्या बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस में आपका क्या है कोस स्क्वायर थीटा। अब आगे आप देखिएगा बेटा, यहाँ मैंने लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब इन तीनों को मैंने बटे में कोस थीटा इंटू साइन थीटा है ना, इन तीनों को मैंने अलग अलग कर लिया, तो बटे में सभी के क्या आएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब एक बार इसको इससे भाग दिया, इसको इससे, इसको इससे, स्क्वायर का मतलब साइन कितनी बार है दो बार, एक बार कट गया तो यहाँ बच गया साइन बटे में कोस। उसके बाद ये आपस में कैंसिल हो गया, कितना बच गया एक, और यहाँ कोस स्क्वायर कितनी बार है दो बार, एक बार कट गया तो क्या बच गया कोस बटे में साइन, तो आपका क्या आ गया साइन थीटा बटे में कोस थीटा प्लस वन प्लस में कोस थीटा बटे साइन थीटा। अब बताएं साइन बटा कोस क्या होता है टेन थीटा, कोस बटा साइन क्या होता है कोट थीटा, और प्लस में क्या है एक, यही बेटा आपके क्या है राइट हैंड साइड। सबसे अच्छा क्वेश्चन है आपका 17वां प्रश्न और एकदम एग्जैक्ट है ना, जो आपका बेटा प्रश्न संख्या है 20वां वो उनकी लेफ्ट हैंड साइड तो एक सेम यही है, बस जस्ट राइट हैंड साइड चेंज की है इसने, देखना इसी प्रश्न से करेंगे ये भी। इसकी राइट हैंड साइड आपको दी गई है एक प्लस sec थीटा इंटू में cosec थीटा। आपका प्रश्न संख्या है 20, ये दोनों बेटा एक जैसे हैं इसलिए इकट्ठा करवा रहा हूं इनको, और आप कॉपी में भी इकट्ठा ही करना दोनों क्वेश्चन, 17वां और 20वां क्वेश्चन एक जैसा है, यहां सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड दोनों एक जैसी दी गई है, चेंज किया है राइट हैंड साइड में तो लगभग एक जैसा प्रश्न है, लास्ट में ये भी थोड़ा सा चेंज होगा। अब 20वां प्रश्न क्या है tan थीटा बटे में 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बटे में 1 माइनस tan थीटा। वहां तो अपने को प्रूव करना था tan थीटा प्लस cot थीटा प्लस 1, और बेटा यहां प्रूव करना है 1 प्लस sec थीटा इंटू में cosec थीटा। अब आप देखिएगा ये सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया और इन सबको ऐसे ही सोल्व किया जैसे कि प्रश्न संख्या 17 में, उसी प्रकार यहां तक सेम रहेगा, ये वाला यहां तक बेटा सेम आ गया। अब आगे देखिएगा आपके पास यहां से मैं दोबारा करवा थोड़ा सा आगे यहां चेंज होगा, यहां तक तो आई थिंक समझ में आ गया होगा क्योंकि क्वेश्चन नंबर 17 में भी यहीं तक था। अब देखिए इसमें राइट हैंड साइड चेंज हो गया तो थोड़ा सा चेंज होगा। अब बेटा देखो यहां क्या बच गया
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इनटू में कोस थीटा और बटे में क्या है आपका कोस थीटा इनटू में साइन थीटा। अब यहां आपका ये बच गया। अब आप बेटा देखिएगा सर्वसमिका का प्रयोग किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है एक, तो यहां इनकी जगह मैंने क्या रखा एक प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा बटे में कोस थीटा इंटू में साइन थीटा, वो एक ही बात है, चाहे साइन थीटा इंटू कोस थीटा रखो चाहे कोस थीटा इंटू साइन थीटा रखो। अब इन दोनों को मैंने अलग किया तो आपका आ गया एक बटे कोस थीटा इंटू में साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू में कोस थीटा बटे में कोस थीटा इंटू में साइन थीटा। इनको काट दिया बेटा, यहां कितना बच गया एक, और यहां बोलो एक बटे में कोस, एक बटे में कोस भी है एक बटे में साइन भी है, एक बटा कोस किसके इक्वल होता है सेक थीटा के, एक बटा साइन किसके इक्वल होता है कोसेक थीटा के, और प्लस में कितना है वन, और ये बेटा आपकी क्या है राइट हैंड साइड। जस्ट यहां तक दोनों प्रश्न एक जैसे हैं, थोड़ा सा चेंजिंग है, यहां उस प्रश्न में तो हमने इन तीनों के बटे में ये रख लिया और यहां साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना रख लिया एक और प्लस में साइन थीटा इंटू में कोस थीटा रखा, फिर दोनों को अलग किया, ये आपस में हो गया कैंसल और यहां एक बटे कोस एक बटे साइन है, एक बटे कोस आपका सेक होता है, एक बटे साइन आपका क्या होता है कोसेक होता है और प्लस का एक है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया है। बेटा आज आप ये दो ही क्वेश्चन करना और अच्छे से करना, परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और आएगा तो सीधा का सीधा 6 नंबर का ही आएगा, ये भी आप ध्यान रखना। थैंक यू और कल करेंगे।